जी, तो नमस्कार है आप सभी दोस्तों को हमारे चैनल प्रियंका पवन पर। और घर पर बैठे बैठे हो गए बोर। प्रियंका मैडम तो ज़्यादा हो गई, और अवनी का तो पता ही है कि उनको घूमने का मौका मिलना चाहिए, बस घूमने को तैयार। अब हुआ ये कि कहाँ चले, अवनी का मूड हो गया कि चलो चले हैं लुल्लू मॉल। और प्रियंका बोली कि लुल्लू मॉल में कुछ ऐसा दिखता नहीं है, मज़ा आता नहीं है, अब करना है थोड़ा सा चेंज। तो ये हुआ कि कहाँ चले, तो घर से निकल पड़े हम सब, बाइक उठाई और निकल पड़े पलासियो मॉल के साइड। और पलासियो मॉल की तरफ अंदर गए तो वहाँ पर रास्ते में गार्ड साहब रोक लेते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं हम लोगों को। भाई जैसे ही अंदर आते हैं तो तुरंत हाथ जोड़ के कहते हैं, नमस्ते सर, आपका वेलकम है हमारे यहाँ। हम भी उनका वेलकम कबूल करते हैं। कबूल करने के बाद जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले ही मिल जाता है दुकानदारों को रुकना होगा यहाँ पर। दुकान का नाम है सापर स्टाफ, मतलब दुकानदारों को रुकना है यहाँ पर। दुकानदारों के पास दुकानदारी है इनके पास, अपना कोई एक ब्रांड नहीं है इनके पास, दुनिया भर का सारा ब्रांड इनके पास रखा रहता है। बस इनके पास हम पहुंच गए। कपड़ा पहन के मैडम खड़ी थी, हमने पूछ लिया मैडम कपड़े कैसे दिए, लेकिन मैडम एटीट्यूड में है। देखिए मैडम कुछ बोल ही नहीं रही, इनके किस मुँह से बोलेंगी, इनके पास मुँह भी तो नहीं है बोलने के लिए। अब प्रियंका मैडम अपना निकल पड़ी खिड़की की दुकानदारी करने, वही विंडो शॉपिंग जिसको हम सब कहते हैं विंडो शॉपिंग करना। अब निकल पड़े विंडो शॉपिंग में, एक से एक कलरफुल ब्रांड, हरा कलर, लाल कलर, बैगनी कलर, कत्थई कलर, मैरून कलर, मजेंटा कलर, नीला कलर, कोई ऐसा कलर नहीं था जो यहाँ पर ना अवेलेबल हो। हर कलर अवेलेबल था और हर कलर उनको समझ में आ रहा था। दो चार कपड़े निकाले भी इन्होंने। अब बोली कि ऐसा है कि अब दो चार हम ट्रायल करेंगे। ऊपर अपनी अपनी खिड़की की दुकानदारी करने में चालू थी और प्रियंका मैडम अपनी। हम भी बैठे थे, हमने तो अपने आप को, हमको अपना ही भविष्य दिख रहा था, एकदम खाली दिमाग। लेकिन क्या करें, अब तो आए हैं तो देखना पड़ेगा। मैडम आई हैं शॉपिंग करने, आई हैं तो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग, खरीदारी नहीं करनी है, खाली टाइम खराब करना है। मतलब टाइम खराब नहीं करना, टाइम पास करना है। अब नहीं कह रही ये ले लो, प्रियंका मैडम कह रही ये पसंद आ रहा है, और हम कह रहे हैं हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमको खाली दुकानदारी समझ में आ रही है। फिर वहाँ से निकले तो चला हुआ कि अवनी के कपड़े समझ में आते हैं मैक्स से। तो ये हुआ कि चलो चले मैक्स में, मैक्स से कुछ खरीद लें। रास्ते में निकले तो रास्ते में जूते की दुकानदारी, कपड़ों की दुकानदारी, पैंट शर्ट एक से एक झांसू माल। लेकिन भाई हमको तो कुछ ख़रीदना नहीं था, हमको तो खाली पीछे 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 कैमरा लेके चलना था। हमने कहा चलो भैया कैमरा ही ले लेते हैं। कैमरा लेके निकले तो आ गए मैक्स के शोरूम में। मैक्स के शोरूम में आए तो अपनी खुश, उनको एक ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं। वो खरीदती कुछ नहीं है, बस उसका शौक, उस इनका शौक अलग लेवल का है। इनको एक ट्रॉली या झोला चाहिए और ढेर सारे कपड़े उसमें भर लेने चाहिए। खरीदारी हो ना हो इससे मतलब नहीं है लड़की को, उनको ये कि झोले के अंदर सामान भर लो, अगर ये मुझे पसंद आ रहा है, ये मुझे पसंद आ रहा है, ये मुझे पसंद आ रहा है। हमें ये सब नहीं पसंद आ रहा है दादा, हमको ये सब नहीं। अब ये हुआ कि यहाँ चले, फिर ये हुआ कि यहाँ नहीं चलते हैं, यहाँ पर तो बड़े लोगों का कपड़ा है, ऊपर चलो जहाँ छोटे बच्चों का कपड़ा मिलता है। फिर हम लोग चल पड़े ऊपर। ऊपर गए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो हुआ कि मेरा मन किया कि रिलायंस ट्रेंड में चलते हैं, क्या है कि हमको जो है कपड़े या चीज़ें जो हैं रिलायंस ट्रेंड में थोड़ी समझ में आ जाती है। हम वहीं बगल में दो दुकान छोड़ के, रिलायंस ट्रेंड था, हम मुड़ गए रिलायंस ट्रेंड की तरफ। अंदर गए तो हम ढूंढ रहे थे कुछ, मिला हमको कुछ नहीं। अवनी को समझ में आ गया कि उनको कुछ लेना है। अब उन्होंने उंगली रख दी कि एक जैकेट उनको समझ में आ गया है, तो क्यों ना एक जैकेट खरीद लें। तो हमने कहा कि भाई बहुत मन है इस लड़की का, तो आओ जैकेट ही देख लेते हैं। प्रियंका का मन था कि एक लहंगा देख लें, मेरा मन था कि एक हाफ स्वेटर देख लें, और अवनी का मन था कि हम एक जैकेट देख लें। रंग बिरंगे कपड़े देख के अवनी पागल हो जाती है, लेकिन क्या करें, हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं।
इनके पागलपन का कोई इलाज नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं हाफ स्वेटर, तो हमको एक हाफ स्वेटर पसंद आ गया। हमको हाफ स्वेटर पसंद आया तो हमने कहा लाओ देख लो, लेकिन प्रियंका बोली कि ऐसा हाफ स्वेटर तो बन जाता है, हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है भैया, आप लोग बुनी आदमी हो, बना ही लोगे कुछ ना कुछ, तो आप तो बना लो, हमको क्या करना है। उसके बाद प्रियंका को पसंद आया लहंगा। अब ऐसा लहंगा हम लोग ले चुके थे, लेकिन अवनी को पसंद आ गया जैकेट। देखिए कैसे शॉपिंग करने में है, शॉपिंग भी हो रही है और खेल भी हो रहा है। जैकेट घूम घूम के दिखाया भी जा रहा है कि देखिए ये हमने जैकेट ले लिया, जमीन में कपड़े गंदे हो जाएं उससे मतलब नहीं है, लेकिन काम होने से मतलब है, दिखना चाहिए। तो ये सब कर लिया गया। अब दोनों के बीच में झगड़े चालू हो गए। वो कह रही तुमने मेरे कपड़े नहीं खरीदे, अवनी कह रही तुमने मेरे पसंद के नहीं खरीदे। इसी बात पे दोनों में झगड़े चलने लगे। हमको तो लगा कहीं यहाँ पर मारा पीटी ना हो जाए, दंगल ना मचा दें लड़की लोग, लेकिन फिर भी हो गया, काम भर का काम हुआ। फिर हमने कहा कि भैया अब हम गए हैं तक, अब हमको चलना चाहिए यहाँ से बाहर। तो हम प्रियंका मैडम से बोले कि भैया ऐसा करो कि सब कुछ तो हो गया है, कुछ थोड़ी बहुत हमारी भी शूटिंग वूटिंग कर लेती। लेकिन नहीं भैया, काहे की शूटिंग, उनको कहाँ समझ में आएगा हमारी शूटिंग करना। भैया हमने कहा चलो भैया नहीं समझ में आ रहा है तो चलो बाहर ही निकला जाए, चला ही जाए। जैसे तैसे फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए, राम राम जी कर लिया, और ऐसे हो गई हमारी विंडो खिड़की की दुकानदारी, विंडो शॉपिंग। तो यहीं पर हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।